यहाँ पर अभी पिछले दिनों यहाँ पे एक हादसा हो गया था, एक नौजवान बच्चे का। उसके बाद में जो यहाँ के जो इसके आमदार है और जो डीसीपी साहब है उनके सामने महानगर पालिका के इंजीनियर ने कहा था दो दिन में हम ये खड्डा भर देंगे। आपको कहीं खड्डा? अरे कहीं नहीं, पूरे भिवंडी का हालत यहाँ का देखिए, धमांकर नगर ब्रिज का देखिए एकदम पूरा। मेरे को ये बेल्ट लगा है इसी के चलते, मैं टैक्स पेयर हूँ और ये टैक्स पेयर होते हुए भी मेरे को ये बेल्ट इसी के चलते लगा है। मैं वो आप इस खड्डे को देखेंगे, ये जो डीप है ये एक टायर से घर गया, ये तकरीबन 5 से 6 इंच का जो डीप है वो आप देख रहे हैं, जिसमें टायर जो है, जो टायर जिसका डिसबैलेंस होने की वजह से उस नौजवान की मृत्यु हो गई है। लेकिन यहाँ पर मनपा में जो बैठे हुए जो अधिकारी है उन्होंने सैकड़ों युवाओं के सामने, यहाँ तक क्या भिवंडी शहर के जो डीसीपी है, भिवंडी शहर के इसके आमदार है और यहाँ पर जो थाना जो थाने से जो डीसीपी सर आए थे उनके सामने ये आश्वासन दिया था कि दो दिन में भिवंडी शहर की इस फ्लाईओवर को लेकर वो खड्डा और ये काम जो है चालू कर देंगे। लेकिन आज पिछले 6 दिन होने के बावजूद इस का कोई काम नहीं हुआ और वहाँ पर जो मीटिंग में बैठे हुए जो लोग हैं, वहाँ के जो प्रभाग जो कॉरपोरेशन के इंजीनियर थे, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ की बात कही कि यहाँ पर अभी तक का वर्क ऑर्डर सैंक्शन नहीं हुआ है। भिवंडी शहर के बंजर पट्टी नाका स्थित APJ अब्दुल कलाम उड़ान पुल के ऊपर गड्ढों के साम्राज्य और खस्ता हाल होते फ्लाई ओवर की खबर 9 अक्टूबर 2023 को दिखाई गई थी, जैसा कि आपने अभी देखा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी की खबर का असर ये हुआ है कि ठीक 24 घंटे बाद APJ अब्दुल कलाम उड़ान पुल के ऊपर उबड़ खाबड़ सड़कें जो जगह जगह पर गड्ढों में तब्दील हो गई थी और आए दिन हादसों की खबर मिल रही थी, महानगर पालिका ने खबर दिखाए जाने के 24 घंटों के अंदर अंदर JCB की मदद से कुरेद कुरेद कर उबड़ खाबड़ सड़कें के डामरीकरण को निकालने का काम शुरू कर दिया है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर नए सिरे से डामरीकरण करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब ये डामरीकरण कितने दिन तक टिकता है ये तो उसकी गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। भिवंडी शहर की जनता से एक्सप्रेस न्यूज हिंदी आवाहन करता है कि अब भिवंडी की जनता को जागना होगा। अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए आपको अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना होगा, वरना चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, जनप्रतिनिधि कभी नया होगा तो कभी वही पुराना चुनकर आएगा। लेकिन आपके शहर का विकास कितना हुआ ये भिवंडी शहर की जनता को सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, वरना इस मुर्दों के शहर में जैसे मुर्दों को मूलभूत सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, शायद भिवंडी की जनता को भी नहीं है। तो खड़े होइए और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना शुरू करिए कि उसने इन 5 सालों में इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए कितना विकास किया है, वरना इसी तरह से दिन बीतते रहेगा, महीना बीतते रहेगा, साल बीतते रहेंगे, 5 साल, 10 साल और 20 साल बीतने के बाद भी शहर का और शहर के लोगों का विकास नहीं हुआ, सिर्फ चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ही विकास नजर आएगा। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज हिंदी, सिर्फ खबर नहीं उसका असर भी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।